दोस्तों जो भी टैक्सेस हम भरते हैं वो सीधे सरकार को जाते हैं और सरकार उन्हीं पैसों से हमारी सेवा करती है। लेकिन कई सारी चीजों में सरकार का जनता से इख्तिलाफ होता है, तो इसलिए जनता सरकार से डिमांड कर सकती है कि हमें इन चीजों में हमारी सेवा को बढ़ाई जाए, इन चीजों में और ज्यादा हमें डेवलपमेंट दिया जाए। लेकिन आजकल भारत में कुछ ऐसा हो गया है गाइस कि जो भी सरकार से सवाल करता है उसे हिंदू विरोधी बताया जाता है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो चुका है कि सरकार हिंदू भाइयों के लिए काम कर रही है, तो अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदुइज्म के खिलाफ है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर सरकार सच में हिंदू भाइयों के लिए काम करे तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो सरकार का फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सरकार अगर हिंदू भाइयों की सेवा करेगी तो 80% जनता की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हिंदू भाई 80% है इस देश में। बाकी 20% की सेवा विपक्ष कर लेगी, लेकिन कम से कम हिंदू भाइयों की भी सेवा कर ले सरकार तो 80% हिंदू भाइयों की सेवा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन गाइस आजकल हो क्या रहा है कि सरकार के फेवरेट चैनल्स 100 के ऊपर डिबेट्स कर रहे हैं महाराष्ट्र के पंडितों के लिए, ताकि महाराष्ट्र की सरकार को विलन बना सके, लेकिन यूपी के पंडितों के लिए एक भी डिबेट नहीं किया जा रहा। तो अगर सरकार सच में हिंदू भाइयों की सेवा करना चाहती तो दोनों जगह के पंडितों के लिए आवाज उठाती, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के पंडितों के लिए आवाज उठाई जा रही है ताकि महाराष्ट्र की सरकार को विलन बना सके, लेकिन यूपी के पंडितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, क्योंकि वहां सरकार को विलन दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह केरला की हाथिनी के लिए लगातार डिबेट्स किए जा रहे हैं ताकि केरला की सरकार को विलन दिखा सके, जबकि हिमाचल की गाय के लिए अब तक एक भी डिबेट नहीं हुआ क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। जबकि हिंदुइज्म में गाय का दर्जा बहुत ज्यादा बड़ा है और काफी सारे लोग भगवान कहते हैं गाय को, लेकिन क्योंकि वहां खुद सरकार है इसलिए हिमाचल प्रदेश के इश्यूज पर बात नहीं की जा रही। तो गई सरकार अगर सच में हिंदू भाइयों की सेवा करती तो दोनों जगह के पंडितों के लिए आवाज उठाती, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को ही विलन बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही है। जिस दिन सच में सरकार 80% हिंदू भाइयों की सेवा करने लगे तब मैं खुद सपोर्ट करूंगा सरकार को, क्योंकि बाकी 20% की सेवा विपक्ष पार्टीज कर सकती है, लेकिन यहां पर 80% को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।